गाइस यहाँ पे हमारे पास दो सामान है सर, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हो, ये है प्रो क्लीनर का सॉल्यूशन जो कि वाटर, जिससे हम लोग वाटरलेस कार क्लीनिंग करेंगे। नॉट जस्ट कार, इससे आप टू व्हीलर भी क्लीन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ था, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। तो ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है एक। यूजुअली आप देखते हो कि गाड़ी, गाड़ी तो हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन करना ही पड़ता है सही तरीके से, वरना धूल जम जाता है। तो इसी तरीके का कुछ सीन है मेरे गाड़ी का, इस वक्त जो कवर रखा हुआ है ऊपर से। तो हम गाड़ी को क्लीन करेंगे इस सॉल्यूशन से। तो ये क्या करना है हमें, 5 to 10 ml लेना है स्प्रे बॉटल में। उसके बाद स्प्रे बॉटल में 5 to 10 ml लेने के बाद उसमें 500 ml वाटर मिलाना है, रनिंग टैप वाटर मिलाना है। उसके बाद उसको अच्छे से शेक करके गाड़ी को क्लीन करना है, ठीक है। तो ये इस सॉल्यूशन से आपको बिल्कुल पानी यूज़ नहीं लगेगा, मतलब पानी ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको सब आगे बताऊँगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है। तो ये सब काम के वजह, मतलब कार क्लीनिंग वगैरह जब आप ये सब सॉल्यूशन से कर रहे हो, तो रिकमेंड करते हैं कि आप कॉटन क्लॉथ यूज़ ना करें, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ बेस्ट होता है क्लीनिंग के लिए। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इनकेस अगर आप लेना चाहो तो अमेजोन से ले सकते हो। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है ये दोनों। तो इस दोनों के अलावा आपको एक और चीज़ लगेगा जो कि स्प्रे बॉटल है। तो इन दोनों के अलावा आपको लगेगा ये स्प्रे बॉटल, ये मतलब आप कोई भी स्प्रे बॉटल यूज़ कर सकते हो। और ऑनलाइन पे आपको कॉम्बो ऑफर भी मिलेगा जिसमें आपको सॉल्यूशन, स्प्रे बॉटल और माइक्रोफाइबर क्लॉथ दिया जाएगा। ये मैंने, मतलब ये घर पे था मेरे पास रखा हुआ, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और ये मैंने अलग से बाई किया हुआ है ऑनलाइन पे, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको ऑडियो सही से नहीं आ रही है तो माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज मैंने एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया तो उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। सो एनीवेज नाउ लेट्स गो अहेड विद दिस, ठीक है। तो मैं अभी आपको मिला के दिखाऊंगा। इसमें 5 to 10 ml ये मिलाना है सॉल्यूशन, उसके बाद पानी मिलाना है बाकी का 500 ml तक, उसके बाद अच्छे से शेक करना है, फिर यू आर रेडी टू गो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप ठीक से देख सको तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रीन पे 5 ml और 10 ml का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस हिसाब से आपको क्वांटिटी चेक करके लेना है, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐड करेंगे स्प्रे बॉटल में, फिर पानी मिलाएंगे। ये मैंने लिया 10 ml क्वांटिटी, अब इसमें वाटर मिलाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पानी मिलाने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से शेक कर लेना है, उसके बाद रेडी टू गो। अब हम लोग काम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा सारा सामान यहाँ पे रेडी है, दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है आपको, ठीक है। एक स्प्रे करने के बाद पोंछने के लिए, क्लीनिंग के लिए, और दूसरा बफिंग के लिए, ठीक है। एंड में करना है इसको, ठीक है। और जैसे कि आप, मतलब ये आप हो सके तो दो अलग अलग कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले, रिकमेंड तो वही किया जाता है ताकि ईजी हो आपके लिए प्रोसेस। तो मैंने जो ऑर्डर किया था वो सेम ही कलर का किया था, इसलिए सेम यूज़ कर रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा गाइस, इस प्रोसेस के लिए, कार क्लीनिंग के लिए हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको।
ये आप देख जैसे कि देख रहे हो माइक्रोफाइबर डस्टर टाइप है ये, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास बड़ा वाला डस्टर नहीं है जो लंबा आता है। यूजुअली क्या है ना, गाड़ी आप अगर विथ कवर लगाओ या फिर विदाउट कवर लगाओ, धूल तो पड़ना ही है, धूल तो जमा होगा ही गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो धूल जमा होगा ही गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर माइक्रोफाइबर डस्टर रिकमेंड करता हूँ मैं। तो डस्टर से क्या करेंगे आप, पहले गाड़ी को ऊपर ऊपर से क्लीन कर देंगे, जो भी धूल रहेगा वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, सपोज मेरे को रूफ क्लीन करना है, ठीक है। तो मैं हल्के हाथों से जो भी धूल रहेगा, जो अपने को दिखेगा नहीं, अपने नेक राइज से नहीं दिखेगा, उसको हम क्लीन कर देंगे इससे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सब क्लीन करने से आपका जो प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा। जबकि मेरे गाड़ी में इतना धूल नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने वॉश किया हुआ था। अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बर्ड पूप ये सब है, तो ये सब क्लीन करने में आसानी होगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, संभाल के करते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पूरा गाड़ी क्लीन कर लेना है। अभी आप देखिए, ये स्प्रे करने के बाद आपको तुरंत पोंछना नहीं है, ठीक है। इसको करीब 20-25 सेकंड के लिए छोड़ देना है ताकि ये जो धूल है वो पूरा ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। तो ये पूरा धूल ऑब्जर्व कर ले, तब तक आपको थोड़ा वेट करना है। आपको ध्यान रखना है, आप जब क्लीन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है क्लॉथ को, ठीक है। उसको ऊपर से नीचे स्लाइड करना है ताकि जो धूल है वो नीचे की तरफ आ जाए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाओगे राउंड राउंड, तो धूल जो है वो ग्लास को चिपक जाएगा। जबकि ये स्प्रे करने के बाद ऐसा होगा नहीं, फिर भी हमेशा जब भी आप क्लीन करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज कभी भी क्लीन ना कीजिए, उसको स्लाइड करके क्लीन कीजिए, ऊपर से नीचे करना है आपको, ठीक है। तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी क्या है, हमने इससे क्लीन किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेट हो गया, आप जैसे कि देख सकते हो। तो ये ड्राई वाले से हमको बफ करना है, ठीक है। और ध्यान रखिए गाइस, आप बफिंग जब करोगे ना तो एक क्लॉथ से नहीं करना, आपको दो अलग अलग क्लॉथ यूज करना है, वरना आपका पूरा प्रोसेस जो है स्पॉइल हो सकता है, आपको बेटर रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको बफिंग करने के लिए दूसरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप।